ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि द गेम इज वन इन द माइंड। जो गेम है, जो एग्जाम है, वो जीतते आप बाद में हो, लेकिन उससे पहले आपको दिमाग में जीतना पड़ता है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एस्पिरेशन रखते हैं कि हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, हम एस्पिरेशन रखते हैं कि हम ये अचीव कर लेंगे, लेकिन हमारे माइंड में हम जीतते नहीं है। माइंड में जीतना मतलब क्या? जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें खुद पर सेल्फ डाउट लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको जीतने दें तो वहां पर हम माइंड से हार जाते हैं। और अगर एक बार हम माइंड में हार गए तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं जीत पाओगे। माइंड में अगर आप जीत लो तो आपको अपने आप अंदर से मोटिवेशन आता है। कोई भी चीज़ आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकती, आपको बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए माइंड में जीत जाओ, अपने आप जो लड़ाई है वो जीत जाओगे। दी बैटल इज वन इन दी माइंड। तो इससे माइंड को आपको इतना शार्प करना है। माइंड में आप कैसे जीतोगे? जब आपका कन्विक्शन स्ट्रांग रहेगा, जब आपका जो पर्पस है वो इतना स्ट्रांग रहेगा कि कोई भी डिजास्टर, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको बिल्कुल इधर से उधर हलने नहीं देगा। इसलिए माइंड में जीतो, बैटल आप अपने आप जीत जाओगे। तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज में ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, आप सभी को बहुत फायदा मिलेगा। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, मतलब GS 1 2 3 4, मज़ा आ जाएगा आप सभी को। और ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, एक बार अगर आप लोगे तो सभी कोर्सेज देख सकते हो। और इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पर है कि बाकी जगहों पर जितना आपको 1 महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप 1 साल का कोर्स एंजॉय कर सकते हो। इसे डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज को एंजॉय कीजिए। आइए आज हम 9 जून का जो एनालिसिस है वो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या खास है आज के एडिटोरियल्स में। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस पर नजर डालेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन आता है, इसमें यहाँ पर जो अल्जाइमर है उसके बारे में बात की जा रही है। अब जिन्होंने दी एस्पिरेंट्स सीरीज देखी है उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र जो है वो ज़रूर सुना होगा, तो इस पे हम थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर वैक्सीन पॉलिसी जो है, रिवाइज्ड वैक्सीन पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए, इतना कुछ खास हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से नहीं निकलता है। इसमें बेसिकली जो 18 to 44 वाले लोग हैं उनकी वैक्सीन पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है। देखिए क्या था कि पहले ऐसा था कि भैया आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा है कि अब आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फ्री में ये जो वैक्सीन है फॉर 18 to 44 वो मिल जाएगी। हाल ही में हमने लेटली एक एडिटोरियल कवर किया था जहाँ पर हमने इन इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी, अगर आपको याद होगा, अगर आप अच्छे तरीके से देखते होंगे। उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन क्या ये नहीं हो रहा है, जहाँ पर हम 45 से ऊपर वाले लोगों को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन जो 18 to 44 है उनसे अगर हम पैसे ले रहे हैं तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, है ना? तो ऐसी हमने वहाँ पर बातें की थी। तो अब वहाँ पर एज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन जो है हमें देखने को मिल रहा था। और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 18 to 44 में हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो, कि वह हम यहाँ पर जो 45 से ऊपर है वो सभी गरीब है इसलिए उनको काफ़ी मुश्किल जाएगी, ऐसा नहीं है। और 18 to 44 में सभी अमीर है तो उनको यहाँ पर काफ़ी आसान जाएगा पैसे देना, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर सभी तरह के लोग हमें देखने को मिल रहे, तो ये बेसिकली नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन ही था, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर सॉर्ट की गई। यहाँ पर बोला गया कि हाँ, जो गवर्नमेंट की रहेगी यहाँ पर फ्री जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, एंड 75% जो प्रोक्योरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, और 25% जो है प्राइवेट लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा, एंड फिर सेंटर ही जो है वो स्टेट को यहाँ पर अलॉट करेगी वैक्सीनेशन, एंड काफ़ी सारे वैक्सीनेशन जो है वो आ जाएंगे। और उसी के साथ अब आपको यहाँ पर कोविन पर भी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, सीधा वहाँ पर जाओगे आप, आपको वहाँ पर टोकन मिल जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा, एंड देन उसको वैक्सीनेशन जो है आपको जितनी चाहिए उतनी आपको मिल जाएगी। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बाकी एग्जाम परस्पेक्टिव से कुछ खास नहीं है। देन यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है उसमें टर्बुलेंस कैसा काम करता है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिसनिंग बेटर, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है। मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर जो अलग अलग एंटरप्रेनर्स है वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं, ऐसे कुछ ट्रेड्स हम यहाँ पर देखेंगे जो कोविड से हमारी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा योगदान दे सकते, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइडियाज़ पेज पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर डिस इन्फॉर्मेशन डिटॉक्स बिल्कुल भी, मतलब वही डिजिटल एज जो है, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब जो हमने इतना सारा देखा हुआ है वही माल मसाला जो है यहाँ पर अलग अलग
थोड़ा खीमा, थोड़ा सिपारी, थोड़ा ये सब डाल के इसमें परोसा जा रहा है, बाकी कुछ भी इसमें खास जाने लायक नहीं है। देन ये भी अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है, ये अगर हम देखते हैं तो इसमें भी एग्जाम परस्पेक्टिव से कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद हम आते हैं द हिंदू पर। द हिंदू में अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रिंग जीनोमिक सिक्वेंसिंग इनटू पेंडेमिक फाइट। अब यहाँ पर जीनोम सिक्वेंसिंग की बात की जा रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसमें हम काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जानने की कोशिश करेंगे। देन स्टेट इंटरवेंशन लक्षद्वीप फ्यूचर, लक्षद्वीप के बारे में ऑलरेडी कवर किया हुआ है इसलिए इसको हम नहीं देखने वाले हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पर आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कोविड 19 वेव जो थर्ड वेव है उसे टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने वहाँ पर देखा हुआ है थर्ड वेव के लिए हमें क्या ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन, मतलब वही सारी चीज़ें। मतलब ऐसा होता है कि जैसे एक मैच है, क्रिकेट मैच है, आपने कोई क्रिकेट मैच देख ली, ठीक है, उसमें आपको पता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ठीक है, कौन जीता है कौन हारा है, या मैच होने के बाद आपको पता चल गया है। एंड उसी का रिपीट टेलीकास्ट अगर आप देखोगे तो मतलब बनेगा क्या? कुछ कोई मतलब नहीं बनेगा, एक्साइटमेंट भी कम रहेगी। तो इसलिए वैसे ही यहाँ पर हमें एडिटोरियल्स देखने को मिल रहे हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल, याद कीजिए कि हम जो साल भर के ईयरली जो पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो कवर कर रहे हैं, है ना, साल भर के पूरे। तो जैन पूरा एक एक महीने का एक एक वीडियो में मैं ले रहा हूँ, तो जैन जो है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, फेब में हमने कवर कर लिया है, अब उसी में हमने जो प्रोपोर्शनलिटी का प्रिंसिपल है वो देखा था, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसी में हमने कवर किया था, है ना। मतलब ज़्यादा लोगों का बेटर होना चाहिए, उसी को थोड़ा अलग अलग तरीकों से परोसा जा रहा है। देन यहाँ पर गवर्नेंस, ट्रस्ट इन दी गवर्नेंस। अब देखिए गवर्नेंस का जो कोर्स है हमारा एमएम एकेडमी पर, है ना, गवर्नेंस का जो कोर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, तो गवर्नेंस का कोर्स में यहाँ पर जो गवर्नेंस में ट्रस्ट रहना चाहिए वो सब कवर किया हुआ है। यहाँ पर मैं अभी ई गवर्नेंस जो है उसका भी वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने दो वीडियोस उसके डाले हुए हैं, ई गवर्नेंस जो है वो भी मैं यूट्यूब पर फ्रीली आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो वो आज हम यहाँ पर ई गवर्नेंस भी कवर कर लेंगे यूट्यूब में, तो वो आपको यहाँ पर, क्योंकि ई गवर्नेंस पर काफ़ी सारे एडिटोरियल्स देखने को मिले हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ई गवर्नेंस का एक वीडियो जो है वो जो उसी में से पार्ट है, उसी में का एक पार्ट है हमारे गवर्नेंस कोर्स का, तो वो यहाँ पर यूट्यूब पर डाल दूंगा, जिससे ई गवर्नेंस के बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू ड्रग ऑफ अल्जाइमर, ठीक है। अल्जाइमर जो है वो क्या है, उसका नया ड्रग यहाँ पर आया है, तो इसीलिए काफ़ी चर्चा में आ गया है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। देखिए USFDA जो है उसने यहाँ पर अप्रूव किया है फर्स्ट न्यू ड्रग ऑफ अल्जाइमर डिसीज इन 2 decades। अब तक उसकी कोई इलाज जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा था, इसके वजह से यहाँ पर क्या है कि हमें एक होप मिल जाती है कि हाँ कि हम यहाँ पर कुछ अच्छा जो है वो कर सकते हैं। कॉस्टली एंड नॉट क्योर स्लो प्रोग्रेशन, यहाँ पर डेमेंशिया जिसमें अल्जाइमर इंक्लूडेड रहता है, ये 1 in 27 इंडियंस को अफेक्ट करता है 60 years एंड अबव। मतलब देखिए इसका जो रेट है कितना ज़्यादा है, है ना, 27 अगर हम लोग देखोगे तो उसमें से एक इंसान जो है उसको अल्जाइमर रहने वाला है अबव 60 years। तो मतलब अब समझ लो 60 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको अगर आप इकट्ठा कर लो तो उसमें से एक इंसान जो है उसको रहने वाला है। बॉलीवुड देख लो आप, जो भी 60 साल के ऊपर होंगे उनमें से आप 27 लोग निकाल लो, उसमें से एक को 101% अल्जाइमर होगा। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसका अल्जाइमर डिसीज जो है क्या है? तो यहाँ पर जो डिमेंशिया, ये एक अम्ब्रेला टर्म इस्तेमाल की जाती है रेंज ऑफ कंडीशंस के लिए, जिसमें यहाँ पर कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो होती है हमारी, है ना, हमारी जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो यहाँ पर उसमें लॉस हमें देखने को मिलता है। अल्जाइमर डेमेंशिया अगर हम देखते हैं मोस्ट कॉमन टाइप है और जिसमें प्लेक्स एंड टैंगल जो है ब्रेन में कॉज होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रेन जो है इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है, जिसमें क्या है समझ लो एक जो क्षमता है हमारे ब्रेन की वो थोड़ी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है। आपको आगे पता चलेगा बेसिकली होता क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें फॉरगेटफुलनेस एंड मेमोरी प्रॉब्लम जो है ये ऑफन अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि आप कुछ भूल गए हो, आपको याद नहीं आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा है एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही तो आपको अल्जाइमर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली सीरियस एक इश्यू होता है जहाँ पता चलता है कि यार अभी आपने कोई चीज़ की थी अभी आप भूल रहे हो, अभी आपने कुछ किया था भूल गए हो, है ना। ऐसे यहाँ पर हमें देखने जो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो, उसमें रिविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इलनेस जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है उसमें यहाँ पर इंसान जो है कन्फ्यूज़ होता चला जाता है, कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है कि यार ये है या ये है, इतना कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। बहुत सारे जो है यहाँ पर मेनी लॉस देयर वे अराउंड फैमिलियर प्लेसेस, मतलब कहीं पर अगर जो पता है उनको जो प्लेसेस है घर का एड्रेस ही भूल गए, है ना, वो है ना गाना इधर चला मैं उधर चला जाने कहाँ मैं किधर चला, इतने कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्लानिंग होती है कि कुछ प्लान करना है उसमें भी उनको डिफ़िकल्टीज आती है, है ना। सिंपल टास्क जो है उसको कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि अब कैसे करना हो पता ही नहीं है। हम क्या है, हम कोई भी अगर टास्क ले रहे हैं, ठीक है, हम अगर हमारा मोबाइल है
ठीक है, हमारा मोबाइल है, हम अगर मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा लॉक कोड खोल रहे हैं, ये क्यों खोल रहे हैं हमारा लॉक कोड? आप खुद सोचिए, हमारा लॉक कोड क्यों खोल रहा है? क्योंकि हमारे माइंड में एक जो रेप्लिका है वो बनी हुई है हमारे प्रीवियस इंस्टेंसेस की, है ना, हमारे प्रीवियस इंस्टेंसेस जहाँ पर हमने हमारा लॉक कोड जो है वो खोला था, हमारे मोबाइल का लॉक कोड खोला था, पैटर्न बोलिया जो भी है उस तरीके से खोला था। तो एक सीक्वेंस बना हुआ है कि हमने इस तरीके से प्रीवियस हमारी मेमोरीज का, मतलब हमारा माइंड जो है बेसिकली काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, जो सेट ऑफ प्रीवियस मेमोरीज है वो रिकॉल होते 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 हम फंक्शंस करते हैं। सुबह उठकर अगर हम टॉयलेट जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्यों कि भाई अगर हमें टॉयलेट आती है तो हमें वॉशरूम में जाना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए, बराबर है। हम ब्रश क्यों करते हैं? क्योंकि प्रीवियस सेट ऑफ मेमोरी है कि हमें यहाँ पर ब्रश जो है वो करना पड़ता है, इसी तरीके से हम ब्रश करना पड़ता है। अब सोचिए अगर वो जो पैच है वो कंप्लीटली आपके दिमाग से निकाल ही दिया जाए, ठीक है, तो आपको करना क्या है वो पता ही नहीं रहेगा। वो यहाँ पर हमें बेसिकली देखने को टास्क कैसे कंप्लीट करना है, है ना। अगर ये जो है ये लॉक कोड खोलना है, अगर आप पूरा सेट ही निकाल दिया जाए तो लॉक कोड खुलता कैसे है, ये आपके मन में पहला सवाल आएगा। तो ऐसी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। गजनी जैसा हमने देखा था, है ना, वो मतलब एकदम ही हाई। डिसीज जो है बेसिकली यहाँ पर जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे एक्सीलरेट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो हमारे न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के, उसकी एजिंग यहाँ पर एक्सीलरेट कर देता है। ये मतलब वो हम अगर 60 साल के हैं लेकिन हमारे न्यूरॉन्स जो है वो समझ लीजिए 100 साल के हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टोरेज प्रोसेसिंग जो है मेमोरी की वो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं उसका 2017 का एस्टिमेट, तो यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली 50 मिलियन लोग जो है वर्ल्ड वाइड उसको ही अफेक्ट करता है, और 82 मिलियन जो है बाय 2030 ग्रो हो जाएगा इंडिया में ऐसा बोला जा रहा है। 5.3 मिलियन लोग जो है 1 in 27 अबो एज 60 उनको 2020 में डायमेंशिया जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये आंकड़े भी आप कोट कर सकते हो। अब यहाँ पर न्यू ड्रग जो है काम कैसे करने वाला है, तो इसमें अगर हम देखते हैं हॉलमार्क ऑफ अल्जाइमर डिसीज जो है ये यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रीज, कचरा जो है हमारे दिमाग में भर जाता है सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, है ना। अब ये जो है ये ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोज इन द ब्रेन, इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, इसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। ड्रग जो है ये क्या करता है, ये यहाँ पर एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एमोलॉइड बीटा इसको यहाँ पर क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है, जिससे क्या है प्लेग जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है, जो यहाँ पर प्लेग फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पर नहीं होता है। प्लेग फॉर्म ने कचरा अगर भरेगा नहीं आपके दिमाग में तो आपका दिमाग जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो यहाँ पर ब्रेन के फंक्शनिंग को धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है उसको ये खत्म करने की कोशिश करता है, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है वो कंटिन्यूसली काम करता रहे। क्लियर है। अब यहाँ पर एक्सपेंसिव कितना है, तो कंपनी जो है उसने कहा है एवरेज होलसेल कॉस्ट जो है वो $56,000 रहेगी ओवर अबाउ 40 lakhs पर ईयर। अरे खतरनाक, 40 lakh के ऊपर, डिस्पाइट नॉट इनफ एविडेंसेस ड्रग जो है उसको अप्रूव कर दिया गया। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे इसके एविडेंसेस मिले कि हाँ ये ड्रग जो है खतरनाक तरीके से काम कर रहा है या बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिव है, लेकिन ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अल्जाइमर करंटली मैनेज कैसे किया जाता है इंडिया में, इंडिया में अगर हम देखें तो देखिए स्लो बट ग्रोइंग रिकॉग्निशन जो है यहाँ पर हो रहा है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में, है ना। यहाँ पर पता चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ पर मेंटल, हमने कल जो देखा था मेंटल हेल्थ के बारे में देखा था, मेंटल हेल्थ है ना कि वो एक ग्रोइंग कंसर्न है, हमारे यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन अब उसका धीरे धीरे जो रिकॉग्निशन है वो हो रहा है। उसी तरीके से अल्जाइमर, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा है, हमारे यहाँ पर इतने रफ एंड टफ रहते हैं, हमारे यहाँ पर सोचते नहीं कि हाँ भूल रहे हो तो हो गया होगा यार, भूल गए होंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, अरे भूल रहे बार बार क्या फर्क पड़ रहा है, कन्फ्यूज है क्या फर्क पड़ रहा है ना। इसमें हम ज्यादा जाते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, हम उसको रिकॉग्नाइज या कंसिडर ही नहीं करते हैं। जब तक वो फिजिकली कोई दिखे ना, टेम्परेचर बोलिए, पैर टूट गया बोलिए, हाथ टूट गया, जब तक वो फिजिकली दिखे ना, मेंटल स्टेट से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू हो तो पागल घोषित कर दिया जाता है। और मुझे पागल घोषित ना किया जाए ये डर से सामने वाला इंसान जो है वो खुलकर बोलता भी नहीं है, है ना। डॉक्टर जो है लो एक्सेप्टेंस लेवल हमें फैमिलीज में देखने को मिलती है समटाइम्स, जो देर इज़ नो सिंपथी अबाउट द पेशेंट, है ना, कि वो सोच नहीं पा रहा है। कंडीशन जो है मेंटल वीकनेस या डिप्रेशन उससे यहाँ पर अट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब क्या है पागल घोषित कर दो, यही हमें चीज़ देखने को मिलती है। इसके वजह से क्या है वो खुलकर सामने आते भी नहीं है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है वो टर्बुलेंस में रन क्यों होता है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, फ्लाइट है फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, ठीक है, उसने यहाँ पर सीवियर टर्बुलेंस एनकाउंटर किया। टर्बुलेंस आप सभी को पता है कि ऊपर फ्लाइट जब उड़ती है तो उसमें अगर धड़ धड़ होने लगे, धड़ मतलब दिल में धड़ नहीं, किसान बाजू में कोई लड़की बैठ गई है एंड दिल धड़ हो रहा है, वो धड़ नहीं,
यहाँ पर जो फ्लाइट है वो धड़धड़ धड़धड़ हो रही है। इसका ये भी मतलब नहीं कि फ्लाइट को कोई दूसरी फ्लाइट दिख गई उसकी वजह से धड़धड़ हो रहा है, ये जो एटमोसफियर है उसकी वजह से वो शेक होना शुरू हो जाता है, फ्लाइट शेक होना शुरू होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टर्बुलेंस। अब टर्बुलेंस मोस्टली मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स में होता ही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो इंसिडेंस था ये बहुत ही खतरनाक था, मतलब इसमें लोगों को इंजुरीज भी हुई है, ठीक है। सिविल एविएशन रेगुलेटर जो उसने इसको एक इंसिडेंट इवेंट क्लासिफाई किया है। अब इंसिडेंट ये क्लासिफाई करने से क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी कि ऑकरेंस के पीछे क्या क्या चीज़ें रही है, ठीक है। अब क्या हुआ है, तो बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट जो है वह 113 पैसेंजर्स थे, वो यहाँ पर मुंबई टू कोलकाता जा रहा था। 15 मिनट्स लैंडिंग के पहले काफ़ी खतरनाक तरीके का, मतलब 15,000 फीट से 2,000 फीट पर सीवियर टर्बुलेंस जो है वो देखने को मिला। एक पैसेंजर जो है A61, उसका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया। एक 36 साल का था, उसने माइनर कट जो है फोर हेड पर वो आ गए। इतना भयंकर टर्बुलेंस जो है वो देखने को मिला, ठीक है। अब टर्बुलेंस जो है वो आता क्यों है, क्या होता है टर्बुलेंस? अब देखिए यहाँ पर टर्बुलेंस होता कैसे है, टर्बुलेंस मतलब है डिसरप्शन। जो यहाँ पर एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन जो है वो इस तरीके से एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है। अब क्या होता है कि इस तरीके से अगर एयर जो है वो अगर उसको कोई सताए, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर बहुत बड़ा बादल है, बादल में जो एयर है हॉट एयर अगर ऊपर ऊपर इस तरीके से जा रही है तो क्या होगा, इसको धक्का देगी, है ना। इससे क्या होगा, जो फ्लाइट है उसमें शेक होना शुरू हो जाएगा, डिसरप्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मतलब इररेगुलर वर्टिकल विंड्स में जब ये आ जाता है तो उस टाइम पर होता है। एंड दूसरा यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है, जो ये होते हैं हमारे जेट स्ट्रीम्स होती है ना, जेट स्ट्रीम इस तरीके से जा रही है, अब उसमें अगर फ्लाइट आ जाती है इस तरीके से तो उसमें भी यहाँ पर क्या होगा, डिसरप्शन जो आ जाएगा। मतलब समझ लीजिए बहुत तेज़ी से कोई हवाएं बह रही है, उसमें अगर कोई वर्टिकल विंड्स अगर आ जाती है उसमें जो है डिसरप्शन हमें फ्लाइट में देखने को मिलता है। 7 डिफरेंट काइंड ऑफ टर्बुलेंस हमें देखने को मिलते हैं, उसमें अलग अलग होते हैं, वेदर रिलेटेड होती है, थंडरस्टॉर्म, हेवी क्लाउड्स, वेट, जेट स्ट्रीम होती है, वेक टर्बुलेंस होता है, मतलब क्या है कि एक एयरक्राफ्ट जा रहा है ना, एक एयरक्राफ्ट जा रहा है उसके पिछवाड़े से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे क्या हो रहा है वहाँ पर भी टर्बुलेंस, मतलब इसके पीछे अगर कोई फ्लाइट जा रही है तो उसको टर्बुलेंस होगा, ठीक है। मतलब विंड जो है बेसिकली टर्बुलेंस इज जो विंड जहाँ से आनी चाहिए वहाँ से नहीं आ रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं टर्बुलेंस। समझ में आ रहा है आपको, है ना। जैसे अगर आप समझ लो कि बॉडी का टर्बुलेंस हम कब कहेंगे कि हमारा अगर वोमिटिंग हो रही है ना, तो वहाँ पर हम कहेंगे बॉडी में टर्बुलेंस हो रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से ये हो रहा है। तो बेसिकली ये है कि फ्लाइट में टर्बुलेंस मतलब क्या है, डिसरप्शन अगर हो रहा है एयर फ्लो में ओवर दी विंग्स, विंग्स में जहाँ एयर बराबर जाना चाहिए तो स्टेडीली चलेगा फ्लाइट, लेकिन अगर वहाँ पर कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो फिर तो भैया खतरनाक तरीके से वहाँ पर टर्बुलेंस होना ही होना है, ठीक है। टर्बुलेंस इंसिडेंसेस अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग अगर नहीं है तो वहाँ पर हो जाता है, वेदर का अगर सही फोरकास्ट नहीं किया गया है, डिसमिनेशन नहीं किया गया है, तो वहाँ पर भी हमें यहाँ पर टर्बुलेंस जैसे इंसिडेंस जो है वो देखने को मिलते हैं, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं लिसनिंग बेटा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक नई ब्रीड ऑफ एंटरप्रेनर्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है कोविड हिट इकोनॉमी से रिकवर होने में। अब इसमें हमें 6 टाइप जो है वो देखने को मिलते हैं, 6-8 देखने को मिलते हैं। अब उसमें से पहला अगर हम देखें तो लोअर एंटरप्रेनर्स इक्विटी होल्डिंग। देखिए क्या है कि मोस्टली जो एंटरप्रेनर्स होते हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, वो मतलब जो मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, 50% ज़्यादा अपने पास रखते हैं, है ना, स्टेक्स रखते हैं। अब उससे क्या होता है, लॉस भी हुआ तो खतरनाक तरीके का हो जाता है ना, 50% ज़्यादा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, नई कंपनी जो उसमें एंटरप्रेनर स्टेक लोअर होता जा रहा है। जेफ बेजोस अगर आप देखोगे तो अमेजोन में 14% स्टेक है उसके, समझ रहे हो, मतलब 100% अगर टोटल 100 रुपये हैं तो उसमें सिर्फ 14 रुपये जो है वो बेजोस के हैं, बाकी अलग अलग लोगों से जो इन्वेस्टमेंट आई है वो सब रहता है। जैकमा अगर आप देखोगे तो अलीबाबा में सिर्फ 9% है उसका, एंड रीड हैस्टिंग देखोगे नेटफ्लिक्स वाला 4% है, सिर्फ 4, मतलब 100 में से सिर्फ 4 रुपये हैं उसके, समझो अगर नेटफ्लिक्स वो बेचता है तो उसको सिर्फ 4 रुपये मिलने वाले, समझ रहे हो। अब वो 4 रुपये मतलब 100 इधर 100 नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन स्टिल आप समझ सकते हो कि अलग अलग लोगों से लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे काफ़ी बेटर सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। दूसरा हमें देखने को मिलता है नया इंसॉल्वेंस एंड बैंक्रप्सी कोड। हालांकि यहाँ पर कोविड के टाइम पर इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इंसॉल्वेंस एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो नया आ गया है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी अच्छा, मतलब क्या है कि एंटरप्रेनर्स के लिए एक नई इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए जो टास्क है इससे भी बेटर चीज़ें होती है, क्योंकि जो है वो पता रहता है कि बैंक्स भी यहाँ पर लोन देना, मतलब एक सही सिचुएशन हो जाती है। 3 अगर हम देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन रोल मॉडल, क्या है कि देखिए
एक जो बिजनेस होता है ना, उसमें डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि पहले से ही अगर आप डाइवर्सिफिकेशन में चल जाओगे कि ये कर लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अभी सिंपल बिजनेसेस रन कर रहे हैं लोग एंड उनके स्टेक होल्डर्स को चांस दे रहे हैं कि आप कितना डाइवर्सिफाई करना है उतना कर लो। तो ये तीसरी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट चौथा अगर हम आते हैं तो रोल मॉडल्स का पार्टिसिपेशन, एंटरप्रेनर जो है उनका डिस्टिंक्ट रोल रहता है, शेयर होल्डर, बोर्ड डायरेक्टर, सीईओ। पहले ऐसा है कि सब खुद ही रहो, है ना, लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग लोगों को हायर किया जा रहा है जिनकी उनकी क्षमता हो, उनकी कैपेसिटी। तो ये भी हमें यहाँ पर एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। देन उसके बाद ग्रोथ एंड गवर्नेंस वैल्यूएशन प्रीमियम, यहाँ पर क्या है, गवर्नेंस पर अब ध्यान दिया जा रहा है ना। पहले ऐसा था कि नहीं यार गवर्नेंस छोड़ो ना, कैसा भी कर लो, वैल्यूएशन जो कंपनी का पड़ना है नहीं, लेकिन अब यहाँ पर ग्रोथ पर गवर्नेंस पर अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। एंड बोर्ड इफेक्टिवनेस, बोर्ड की इफेक्टिवनेस, पहले ऐसा था कि आए चाय वाय पी एन चले गए, लेकिन अब यहाँ पर इफेक्टिवनेस जो है बोर्ड की वो भी यहाँ पर राइज हो रही है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर जीनोमिक सिक्वेंसिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेंडेमिक फाइट में। देखिए जीनोमिक सिक्वेंसिंग क्या है, यहाँ पर जीनोमिक सिक्वेंसिंग की बात की जा रही है। इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें डीएनए, जीन एंड जीनोम क्या है ये समझना पड़ेगा। डीएनए आप सभी को पता ही होगा, डीएनए जो है ये मॉलिक्यूल होता है हमारे सेल में जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। हमारी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके का डीएनए होता है, इसमें हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है कि मतलब हमारे पूर्वज जो है उनको अगर कुछ समझ लीजिए कुछ बीमारी होगी या कुछ होगा, कुछ होगा वो हमारे साथ साथ में आता है। तो डीएनए है ना, इसमें क्या होता है, सारी हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें आता है जीन। जीन जो है कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डीएनए यूनिट से बना हुआ होता है। एंड जीन अगर आप देखो कि फंक्शनल यूनिट है हमारे डीएनए का, जो यहाँ पर ट्रेट्स देता है, जैसे कि स्किन कलर हो गया। हम बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स से स्किन कलर, ऐसे बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा है तो उसका नाक जो है उसके पापा पे गया है, उसकी आंखें जो है उसकी मम्मी पे गई है, उसके होंठ जो है इस पे गए हैं। तो ये क्या है, ये डीएनए जो जीन है उसकी वजह से ये चीज़ें जो है ट्रेट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। जीनोम ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है जिसमें ऑल ऑफ इट जीन्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें जीनोम में होता है, मतलब सबसे पहले डीएनए आ गया, उसका एडवांस वर्जन जीन हो गया, उसका एडवांस वर्जन जीनोम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जीनोम की सिक्वेंसिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए जिसमें इंसर्ट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है जीनोम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब ये इस तरीके का, जैसे आप समझ लीजिए एक फाइल है ना, एक फाइल है कंप्यूटर पर, उसमें आप चेंजेस कर रहे हो। जैसे आप कोई भी आपका करंट रिलेटेड टॉपिक हो, उसको अगर आपने कोई डिजिटल फॉर्मेट में सेव किया है, आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें मिल गए, तो वो आप जैसे एडिट करके उसमें कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, या फिर कोई पॉइंट आपको नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर रहे हो, है ना। कोई आउटडेटेड चीज़ हो गई, जैसे आर्टिकल 370 आपने अगर आपके नोट्स में लिखा होगा, अब वो चला गया तो उसको आपने हटा दिया, क्रॉस कर दिया, डिलीट कर दिया। तो मतलब क्या, आपके नोट्स को जिस तरीके से आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आपके नोट्स को जिस तरीके से आप मॉडिफाई कर रहे हो, उसी तरीके से हमारे शरीर में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें हम पूरा का पूरा कंप्यूटराइज शरीर बना सकते हैं कि इसमें आपका ब्रेन कितना काम करना चाहिए, आपकी आंखें किस तरीके से रहना चाहिए, आपके आपकी जो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऋतिक रोशन जैसा रहना चाहिए, जो स्टंट है वो टाइगर श्रॉफ जैसे करने चाहिए, ये उस तरीके का होना चाहिए। तो ये पूरा सिक्वेंसिंग जो है वो किया जा सकता है। इसमें जो डिजीजेस है उससे लड़ने के लिए भी जीनोम में चेंजेस जो है वो किए जाते हैं, यही यहाँ पर बताया जा रहा है, समझे। मतलब यहाँ पर क्या है, इंसर्शन ऑफ साइट स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब यहाँ पर क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बेस्ड ऑन जीनोमिक, यहाँ पर एडनाइंस, ग्वेनाइंस, थायमाइंस एंड साइटोसाइंस जो होते हैं, इन सबको किस तरीके से सिक्वेंस किया जाए ये पूरा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप्स जो अहेड यहाँ पर बताई जा रही है एडिटोरियल के तहत, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि इंडिया को यहाँ पर अपना जीनोमिक सिक्वेंसिंग को स्केल अप करने की जरूरत है। इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स भी निकल कर आते हैं, ठीक है। जो आपको चैलेंजेस हैं इसके एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, एडवांटेज एंड चैलेंजेस आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंडिया को यहाँ पर अपना जीनोमिक सिक्वेंसिंग जो है उसको स्केल अप करने की जरूरत है। यहाँ पर सैम्पल कनेक्शन, जीनोम सिक्वेंसिंग है ना, मोर जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर जरूरी है लार्ज अर्बन इसमें, एंड नेशनल लेवल एनालिसिस जो है यहाँ पर जीनोम सिक्वेंसिंग डेटा का, ये भी यहाँ पर किया जाना चाहिए। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है मोर साइंटिफिक ऑपरेशनल रिसर्च में, ठीक है, वैक्सीन इफेक्टिवनेस के लिए। तो ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। थर्ड है कि अर्ली इंडिकेशन जो है इम्यून एस्केप का एंड वैक्सीन इफेक्टिवनेस डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट में, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट हमने देखा हुआ है कि वो ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ना, और ज़्यादा खतरनाक भी है, तो उसके अगेंस्ट में। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपको बेसिकली जीनोम सिक्वेंसेज जो उसके एडवांटेज चैलेंजेस जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो एडिटोरियल्स पैच है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, और
हम थोड़े जो न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल होंगे वो एक बार देख लेते हैं। चलिए, वैसे तो कुछ खास न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में है नहीं, लेकिन स्टिल यहाँ पर सेंटर जो है फ्रेश ऑर्डर यहाँ पर 44 करोड़ का कोविड वैक्सीन डोजेस के लिए ला रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 75 वो सब हो गया है, एंड उसी के साथ कॉर्बेवैक्स, उसके बारे में भी हमने देखा था, है ना, तो वही सब यहाँ पर बताया जा रहा है। देन उसके बाद नेपाल जो है वो यहाँ पर पतंजलि कोरोनिल किट्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने रोक दिया है, नेपाल डिपार्टमेंट जो है आयुर्वेदा अल्टरनेटिव मेडिसिन, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो है कोरोनिल का यहाँ पर रोक दिया है, जो पतंजलि ग्रुप के द्वारा उनको गिफ्ट किए गए थे ऑफ इंडियन योगा टीचर एंड बिजनेसमैन रामदेव के द्वारा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ यहाँ पर जो डीलिंग द लीडिंग मधेसी पॉलिटिकल फैमिलीज फ्रॉम द इंडियन ग्रुप, तो मतलब पॉलिटिकल सिनारियो जो है वो चलते रहते हैं, उसमें कुछ खास चीज़ है नहीं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाकी यहाँ पर स्टेट, इसमें स्टेट स्पेसिफिक में बोलिए, इसमें भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो 56 कैप्टिव एलिफेंट जो है टेस्ट किए गए हैं कोविड 19 के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए जो पेनाल्टीज़ है, लेट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये यहाँ पर वेव कर दिया गया है। तो ये भी हमें मतलब साउथ इंडिया की न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है। एंड देन रीजनल, इसमें अगर हम देखते हैं तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है। देन उसके बाद इसमें भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इस पर आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। एडिटोरियल है यहाँ पर, न्यूज़ सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी वहाँ पर फेक मेडिसिन जो है, हमने यहाँ पर चर्चा की है इसके बारे में, फेक मेडिसिन जो है उसके बारे में पूरी चर्चा की हुई है, कैसे यहाँ पर उसको रोका जाए, क्या किया जाए, है ना। एंड यहाँ पर एक ये आता है कि रेंगमा नागा जो है वो ऑटोनोमस काउंसिल यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर को और आसाम चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि यहाँ पर उनकी बातें जो है वो सुनी जानी चाहिए। तो यहाँ पर रेंगमा नागा आसाम में उन्होंने लिखा है, तो अब ये इसके ऊपर हमारे 101% जो एडिटोरियल है वो आने वाला है कि ये कौन है, क्या होने वाला है, तो उसमें हम देखेंगे। रजिस्टर्ड बॉडी है, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट ट्राइबल लोग हैं आसाम में जिन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश इन 1939 एनकाउंटर किया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, पेटिशन जो है उन्होंने कहा है, हिल्स फॉर पार्टीशन 1963 बिटवीन आसाम एंड नागालैंड। ठीक है, जब यहाँ पर नागालैंड स्टेट जो है उसको क्रिएट किया गया था, तो वो यहाँ पर काउंसिल की डिमांड कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर आते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा नहीं है, वही वैक्सीनेशन, ये है ना, वैक्सीन अलॉट करने के लिए उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा जो है वो की जा रही है। देन फॉरेन, इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ब्रिक्स जो है वो अपोज कर रहा है एक्सट्रीमिज्म, चाइना जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये बोला जा रहा है। उसने यहाँ पर कहा कि जॉइंट स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्टर है ना कंट्रीज वर्चुअली यहाँ पर लास्ट वीक मिले थे, तो उसी के बारे में यहाँ पर और कुछ खास नहीं, आपको ब्रिक्स के बारे में पता रहना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर चाइना जो है वो आसियान नेशन को सपोर्ट कर रहा है वैक्सीन के लिए। देखिए, उसका यही है क्या है कि यहाँ पर जो टाइज है उसको इंक्रीज करना है ना, उसको पता है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट में चले गए हैं, तो वो यहाँ पर चीज़ें जो है वो खुराफत करने की कोशिश कर रहा है। देन बिजनेस, इसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें वर्ल्ड बैंक सीज इंडिया ग्रोइंग बाय 8.3%। तो यहाँ पर फोरकास्ट ही होते हैं, किसने क्या फोरकास्ट किया, आपको सिर्फ ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी कोई भी एग्जाम के लिए यूपीएससी के लिए आपको फोरकास्ट कितना है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो ओरिजिनल फोरकास्ट आता है उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो है वो सफिशियंट रहता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कुछ ऐसे खास न्यूज़ है नहीं। देन स्पोर्ट्स आता है, उसमें भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो इस तरीके से हमें आज का न्यूज़पेपर देखने को मिल रहा है जो इतना खास है नहीं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।